कोई नहीं करेगा सर। गुर्दे में दम है क्या किसी के? अरे दम है क्या किसी में? मतलब मैं बोल नहीं सकता सर, आप रेडियो पे तो बात किया सर, देखते हैं हिम्मत करके कौन कंप्लेंट करता है। वो साहब कंप्लेंट करने का था, किससे मिलना पड़ेगी? कंप्लेंट है? ए यहाँ क्या कंप्लेंट है बताओ, बैठो। मैं ठीक है। पहले बैठ जाओ, बताओ किसके खिलाफ कंप्लेंट है? मेरे परिवार सुरक्षित रहेगा ना साहब, कंप्लेंट करने के बाद आप पीछे नहीं हटेगा ना साहब। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम बाबू है साहब। अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ पीछे नहीं हटूंगा, बेझिझक बोलो। अरे हमको तो बहुत कंप्लेंट है साहब, एक तो डायबिटीज का कंप्लेंट है साहब, काली पेट 40 है साहब, खाना खाने के बाद डायरेक्ट 230, घड़ी घड़ी सुसु को जाने पड़ता साहब, हमको मिठाई पसंद पर खा नहीं सकते साहब, हमको बहुत प्रॉब्लम साहब, चलने को भी नहीं होता साहब, मेरे पाँव में चाला हो गया साहब, बहुत तकलीफ में हूँ मैं, ऐसे छोटा छोटा बहुत कंप्लेंट है मेरे को। सर अगर आपके पास इलाज के वास्ते कोई दवा होएगा तो मेरे को बताओ ना प्लीज। बहुत मेहरबानी होगा आपके। तू साले कल का आया डॉक्टर, तेरी औकात याद दिला रहा था तेरे को मैं। साले तेरे कमी सफेद से खाकी क्या हो गया? कानून को अपने हाथ में लेकर भाषण देगा क्या? ए इधर गुरु भाई के कानून चलते, गुरु बोले तो चट्टान, गुरु बोलेगा तो कहर। ए समझा क्या? क्या रे देवराज तू समझा नहीं इसको, कमल है। अच्छा एक बात बताने का, मैं सुना तू गोली बहुत अच्छा मारता रे, चलना मार, मेरे को इधर मार, बीच में निशाना लगना मांगता है, मारना इधर, निशाना काली नहीं जाना मांगता रे, मारना इधर मार, बहुत शौक है ना तेरे को। इधर मार। हंसी आ रही है तुझे? नहीं नहीं हंस, वो सिर्फ मेरा मजाक उड़ाकर नहीं गया, पूरे डिपार्टमेंट की इज्जत उतारी है उसने। जो वर्दी तुझे दो वक्त का खाना पानी देती है, क्या उसकी यही इज्जत है तेरी आंखों में? एक वक्त था जब सड़क पर चलते किसी हवलदार को देखकर भी गुंडे अपने बिल में छुप जाते थे, लेकिन आज उल्टा इन्हीं गुंडों को देखकर पुलिस भागने लगी है। चिड़ियाघर में बंधे शेर को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं होता,